जय हिंद जय भारत। मैं चिराग शर्मा। कुली नंबर वन फिल्म किसने नहीं देखी होगी? अमिताभ बच्चन की। जी हाँ, बिग बी जिन्हें कहा जाता है, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, कुली नंबर वन। पहले तो दिखा दीजिए देश की आन बान शान, तिरंगा राहुल भाई, अच्छी तरह से देश का गौरव। और फिलहाल कुली नंबर वन से भी मिल लेते हैं रूबरू, फेस टू फेस, हिसार के रेलवे स्टेशन पर। तकरीबन मुझे 10 से 12 साल हो चुके हैं होशो आवास में अपने रेलवे स्टेशन पर घूमते फिरते, देखते हुए, आते जाते हुए। आज तक बड़े से बड़े शहरों में देखने को मिले रहे कुली नंबर वन, पर एक लौता पहला कुली नंबर वन इस समय देखने को मिला है हिसार के रेलवे स्टेशन। भाई क्या हाल है? मेरा मोरसिंह मीणा है जी। मेरा नाम क्या नाम है? मोरसिंह मीणा। मोरसिंह भाई पहली बार देखने को मिले हो आप, पहले तो बिल्ला नंबर दिखा दो। बिल्ला नंबर 3 है जी। वो कहते हैं ना बिल्ला नंबर 786 ऐसा। नहीं नहीं वो नहीं, हमारे यहाँ का 3 स्टाफ होता है, तीनों में से 2 एक्सपायर होगा, मैं एक ओनली वन बचा हूँ। अच्छा जी, तो कितना समय हो चुका आपको यहाँ पर कार्यरत? मेरे को सर 12 साल हो गए यहाँ पर, कम से कम 12 साल हो चुके हैं। हाँ जी। तो एक बात है, ये इसका कोई लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है परमिशन यहाँ से या कुछ? ये तो बीकानेर से मिलता है जी, हेडक्वार्टर बीकानेर पर लगता है हमारे यहाँ स्टेशन पर, जैसे वहाँ से मिला ये बिल्ला। अच्छा जी, वहाँ से मिलता है। तो उसके बाद तनख्वाह तुमको होती है या कोई प्राइवेट? उसके बाद होती है सर, ये तो राम भरोसा खेती है, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलता वैसे। पर आपने इतिहास रच दिया कहीं ना कहीं अपने अंदर में, क्योंकि पहली बार कुली नंबर वन देखने को मिला है हिसार के रेलवे स्टेशन पर। हाँ जी। तो क्या कहना चाहोगे हिसार वासियों को? क्या बताया सर, मैं कुछ नहीं बताया। अच्छा, मेरे काम में कटौती आई पहले से? वैसे काम कटौती फुल है सर, ये लॉकडाउन लगे जब से अब तक राग लगता है बिल्कुल। पर एक बात, तो एक सवाल था छोटा सा, आप भाई जैसे हो मेरे, एक बात है, ये दिल्ली में जो वीकेंड लॉकडाउन लगा है शनिवार इतवार का, उस पर आप क्या कहना चाहते हो? कहना कि अगर हिसार में ऐसा कभी ना भगवान ना करे लग जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा लोगों पे? पड़ेगा सर, ये सब पूरा पड़ेगा। तो फिलहाल देख सकते जितने भी लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कुली नंबर वन दोबारा कहूँगा, एक बार बिल्ला दिखा दे राहुल भाई अच्छी तरह से। सो फिलहाल शेयर करते रहे, क्योंकि बिग बी सदी के महानायक आप लोगों ने फिल्मों में देखे होंगे। इसी प्रकार से एक व्यक्ति हमारे साथ मौजूद थे जो कुली नंबर वन इस समय लगते हुए नजर, 3 नंबर इनका बिल्ला है, बैच नंबर जिसे कहा जाता है। सो अगर किसी को भी मिलना हो ऐसी फिल्मों में जो चीज़ें देखने को मिलती है फेस टू फेस और रूबरू देखना हो, तो हिसार के रेलवे स्टेशन पर आ जाओ, कहीं मत जाओ। हिसार इज़ ए ब्यूटीफुल सिटी, उस चीज़ को सच और सिद्ध करते हुए इस समय देख सकते हैं। साफ़ सफाई की मैनेजमेंट की बात करूँ लाजवाब इस समय, पार्किंग व्यवस्था की बात करें पार्किंग लाजवाब, और ठीक सामने इस समय सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं प्रशासन की ओर से। जी हाँ, हरियाणा पुलिस और खासतौर हिसार पुलिस की बात करता हूँ तो सभी के सभी अधिकारियों को यहाँ पर ड्यूटी पर कार्यरत पर तैनात कर दिया गया है। सो फिलहाल लेट ना करें, देर ना करें, अगर कुली देखना हो कुली नंबर वन तो आ जाए हिसार के रेलवे स्टेशन पर। पर आपने इतिहास रच दिया कहीं ना कहीं अपने अंदर में, क्योंकि पहली बार कुली नंबर वन देखने को मिला है हिसार के रेलवे स्टेशन पर। हाँ जी। तो क्या कहना चाहोगे हिसार वासियों को? क्या बताया सर, मैं कुछ नहीं बताया। अच्छा, मेरे काम में कटौती आई पहले से? वैसे काम कटौती फुल है सर, ये लॉकडाउन लगे जब से अब तक राग लगता है बिल्कुल। पर एक बात, तो एक सवाल था छोटा सा, आप भाई जैसे हो मेरे, एक बात है, ये दिल्ली में जो वीकेंड लॉकडाउन लगा है शनिवार इतवार का, उस पर आप क्या कहना चाहते हो? कहना कि अगर हिसार में ऐसा कभी ना भगवान ना करे लग जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा लोगों पे? पड़ेगा सर, ये सब पूरा पड़ेगा। तो फिलहाल देख सकते जितने भी लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कुली नंबर वन दोबारा कहूँगा, एक बार बिल्ला दिखा दे राहुल भाई अच्छी तरह से। सो फिलहाल शेयर करते रहे, क्योंकि बिग बी सदी के महानायक आप लोगों ने फिल्मों में देखे होंगे। इसी प्रकार से एक व्यक्ति हमारे साथ मौजूद थे जो कुली नंबर वन इस समय लगते हुए नजर, 3 नंबर इनका बिल्ला है, बैच नंबर जिसे कहा जाता है। सो अगर किसी को भी मिलना हो ऐसी फिल्मों में जो चीज़ें देखने को मिलती है फेस टू फेस और रूबरू देखना हो, तो हिसार के रेलवे स्टेशन पर आ जाओ, कहीं मत जाओ। हिसार इज़ ए ब्यूटीफुल सिटी, उस चीज़ को सच और सिद्ध करते हुए इस समय देख सकते हैं। साफ़ सफाई की मैनेजमेंट की बात करूँ लाजवाब इस समय, पार्किंग व्यवस्था की बात करें पार्किंग लाजवाब, और ठीक सामने इस समय सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं प्रशासन की ओर से। जी हाँ, हरियाणा पुलिस और खासतौर हिसार पुलिस की बात करता हूँ तो सभी के सभी अधिकारियों को यहाँ पर ड्यूटी पर कार्यरत पर तैनात कर दिया गया है। सो फिलहाल लेट ना करें, देर ना करें, अगर कुली देखना हो कुली नंबर वन तो आ जाए हिसार के रेलवे स्टेशन पर।